मानव समाचार मानवता के हक में। मालेगांव पुलिस की तरफ से आज चल रही है बड़ी कार्रवाई। इतनी छुट्टियां चल रही है इसलिए प्रमुख रास्तों पर पुलिस का भरपूर बंदोबस्त है, क्योंकि छुट्टियों पर आमतौर से शहर के बाहर लोग जाते हैं, मगर यहां पर महामारी के चलते पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। पुलिस कुछ चाहती है कि किसी भी शख्स को कोरोना जैसी बीमारी जो है वो ना लगे, इसलिए रास्ते पर आज खड़े होकर खुद उन्होंने जो है लोगों को अपने अपने घरों पर वापस भेजना शुरू किया है। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी यादव सर मौजूद हैं। सर, ये पूरी कार्रवाई क्या चल रही है? ईद कल खत्म हो गई है। हर साल लोग ईद के बाद एक दो दिन शाम को घूमने के लिए बाहर निकलते हैं, मगर इस साल लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की महामारी ना फैले इसलिए लोगों के आने जाने पे निर्बंध हमने कलेक्टर साहब तथा महाराष्ट्र शासन ने लगाए, उसका अमल करने के लिए और लोगों को बिना वजह जो घूम रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना और उनको घूमने के लिए मना करने के लिए हमने गिरनापुर में अभी कार्रवाई चालू की है। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है, पेपर्स नहीं है या बिना वजह घूम रहा है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जोर शोर से पिछले कुछ सालों का अनुभव है कि जोर शोर से गाड़ियाँ चलाते हैं, हाईवे पे जाके कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को जान भी गंवानी पड़ी है। ये इसके कुछ साल पहले कुछ वारदात भी झगड़े वगड़े की हो गई है, तो इसको टालने के लिए पुलिस ने कार्रवाई चालू रखी है और आगे तीन दिन तक ये कार्रवाई चालू रहेगी। बिना वजह कोई ना बोले, बिना पेपर, बिना लाइसेंस को भी देखा जाएगा, उसके ऊपर फाइन किया जाएगा। मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो बिना वजह ना घूमें, गाड़ियां जोर से ना भगाएं और कोरोना की महामारी को फैलाने से बचाएं। जो भी सामाजिक कार्य करने वाले कार्यकर्ते हैं, समाज के प्रत्येक ही लोग हैं, उन्होंने भी लोगों को बाहर घूमने से मना करना चाहिए और प्रशासन को पूरी तरह से कोऑपरेट करना चाहिए, ये मैं उनका आह्वान करता हूँ। सर का साफ कहना है कि बिना वजह रास्तों पर घूमने वाले, बिना कारण घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर पिछले रिकॉर्ड देखें तो कई सारे एक्सीडेंट भी रोड पर हुए हैं, तो एक तरीके से ये जो पूरी कार्रवाई है ये जनहित में ही है, लोगों के लिए ही है, लोगों के हक में अच्छी है। इसके लिए जो यहाँ पर पूरी पुलिस प्रशासन जो है मालेगांव शहर के अलग अलग चौराहों पर, अलग अलग मुख्य रास्तों पर खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। हम सब भी आपसे ये विनती करते हैं कि प्लीज़ अपने अपने घरों में रहिए। अपने अपने घरों में रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और बीमारी को बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। देखते रहिए मानव समाचार। राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी हो।